इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर खाते गांव कन्नौद के बीच स्थित बागदी नदी के रपटे से 8 अगस्त 2010 को एक निजी यात्री बस पानी के तेज बहाव में बह गई थी। दुर्घटना में 22 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में हाहाकार मच गया था। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में शोक सभा आयोजित की गई थी। शोक सभा के दौरान विदिशिया लोकसभा क्षेत्र की सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने खातेगांव पहुंचकर शोक सभा के दौरान बागदी नदी पर पुल निर्माण की घोषणा की थी। सुषमा जी अपने वादे के मुताबिक बागदी नदी पर आलीशान पुल का निर्माण कराकर क्षेत्र के लोगों को एक सौगात दे दी। सुषमा जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पुल की सौगात आज भी हमें सुषमा जी की यादों का स्मरण करवा रही है। सबसे आश्चर्य पहलू तो यह है कि बस दुर्घटना के 10 वर्ष बीत जाने के बाद पहली बार बागदी नदी उसी तारीख पर उफान पर आई है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं बागदी नदी का उफान सुषमा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने तो नहीं पहुंचा। जो नदी 10 वर्ष तक उफान पर नहीं आई, वह सुषमा जी के चले जाने के बाद उसी तारीख को उफान पर आई। क्षेत्र के लोगों ने बागदी नदी पुल पर पहुंचकर सुषमा जी के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। आज के दिन 8 सितंबर 2010 को बागदी नदी में एक बहुत ही दुखद दुर्घटना, बस जो इस छोटे से रपटा था उसमें से बह गए थे, उसमें 22 यात्रियों की असमय कालग्रस्त हो गए थे। आज पूरे उनकी नवी वर्षी है और इस दुर्घटना के बाद में आदरणीय सांसद सुषमा दीदी ने इस पुल के लिए बहुत प्रयास किया और आज ये पुल हमको देखने को मिल रहा है, जो जन सुविधा आदरणीय सुषमा दीदी ने क्षेत्रवासियों को दी थी। और योग की बात है, तभी से आज तक ये नदी उसके बाद में इतनी उफान पर आई भी नहीं है। 9 वर्ष के बाद में आज ही के दिन एक संयोग बना है। मैं हमारे क्षेत्रवासियों के द्वारा और बैतूल नेशनल हाईवे के बागदी नदी के पुल पर, इस पुल के साइड में जो रपटा था, उस रपटे से 8 अगस्त 2010 को एक बस बह गई थी जिसमें 22 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी। बस दुर्घटना होने के बाद क्षेत्र में हाहाकार मच गया था। क्षेत्रीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने इस क्षेत्र में शोक सभा के दौरान इस बात को दोहराया था कि मैं बागदी नदी के इस पुल का निर्माण कराऊंगा। जो आज पुल आप देख रहे हैं, ये सुषमा स्वराज जी की सौगात है। इस दुनिया में अब सुषमा स्वराज जी नहीं है, लेकिन 9 वर्ष बीत जाने के बाद जब सुषमा जी इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद पहली बार बागदी नदी उफान पर आई हुई है। हमें ऐसा प्रतीत होता है बागदी नदी भी सुषमा स्वराज जी को श्रद्धांजलि प्रकट करने आई है, नहीं तो 9 वर्ष में बागदी नदी उफान पर क्यों नहीं, पहली बार उफान पर आई है। समाचार एक्सप्रेस के लिए अनिल उपाध्याय की। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।